हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्वेश राजपूत एक बार फिर से आगे आपके साथ कुछ नया शेयर करने के लिए। आज मेरे पास रेनिकुलस के बल्ब्स हैं, बल्ब्स के ऐसे रूट्स बोल सकते हैं, और जो कि मैंने seedsandpots.com से परचेज किया हुआ है। रेनिकुलस बहुत ही खूबसूरत विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिनको रूट्स के थ्रू प्लस इनकी कटिंग के थ्रू प्लस इनके सीड्स के थ्रू ग्रो किया जाता है। काफी डेलिकेट प्लांट होता है, बहुत ही मुश्किल होता है इन्हें ग्रो कर पाना, और थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मुश्किल क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है जब टेम्परेचर आपके यहाँ का लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का रह रहा हो दिन का, उसी टाइम आप इनको लगाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो इनकी जो रूट्स हैं वो सड़ जाती हैं। तो लगाने के पहले आपको इन्हें पानी में सोक करना होता है, लगभग आधे से तीन घंटे जो है सोक करना होता है। मैंने इन्हें लगभग तीन घंटे पानी में सोक किया। सोक करने के बाद जो है, जब अच्छे से ये रूट थोड़े से ड्राई होती है जब स्टार्टिंग में, जब अच्छे से ये रूट्स जो है पानी को अपने अंदर सोख लें, और उसके बाद इनको बाहर निकाल करके फिर से हवा के नीचे, मतलब कि किसी फैन के नीचे रख दीजिए। आधे घंटे तक आपको वहां पे रखना है। आधे घंटे हवा में रखने के बाद मैं अब इनको पॉट में शिफ्ट करने वाला हूँ। जब आप इनको पानी में रखते हैं तो इनकी रूट्स जो होती हैं ये अच्छे से फूल जाती हैं। ये काफी अच्छे से फूल गई हैं, जबकि पहले ये काफी ड्राई थी। दो तीन घंटे पानी में भिगोने के बाद इनकी रूट्स काफी अच्छे से पानी को सोख लेती हैं और काफी अच्छे से फूल जाती हैं। उसके बाद जब आप इनको लगाते हैं तो अब इसी में से फिर जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं, हेरी रूट्स होती हैं, वो डेवलप हो जाती हैं, और ये वाले पार्ट से प्लांट डेवलप हो जाता है। और ये वाला आपको जब लगाना है तो इस तरह से लगाना है, क्योंकि ये वाले, इस वाले पार्ट से ही प्लांट डेवलप होगा। ये वाला पार्ट आपको नीचे रूट्स देगा। तो फटाफट आप इसकी पॉटिंग मिक्स की बात कर लेते हैं। पॉटिंग मिक्स में मैंने एक पार्ट सैंड, एक पार्ट कंपोस्ट, एक पार्ट गार्डन सॉइल को लिया हुआ है। सैंड यानी कि कंस्ट्रक्शन सैंड। कंपोस्ट आप जो भी लें, अच्छे से डिकम्पोज हुई लें। वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं आप, काउडंग ले सकते हैं आप, और पत्तियों वाली खाद भी ले सकते हैं। जो भी लें आप, अच्छे से डिकम्पोज हुई लें। और एक पार्ट आपको गार्डन सॉइल लेनी है, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो। सैंड का रेशियो कम या ज्यादा भी हो सकता है आपके गार्डन सॉइल के हिसाब से। अगर आपकी सैंडी सॉइल है तो आप सैंड का रेशियो कम कर दें, चिकनी सॉइल है तो आप सैंड का रेशियो बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने एक पार्ट तीनों को इक्वल रेशियो में लिया हुआ है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इनको पॉट में शिफ्ट करने वाला हूँ। इनको लगाने के लिए मैंने लगभग 5 इंच का प्लास्टिक का पॉट लिया हुआ है। जब भी मुझे बाद में अगर लगता है कि बड़े पॉट में शिफ्ट करना है तो मैं उनमें शिफ्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा जर्मिनेशन वाली प्रॉब्लम इनमें बहुत ज्यादा होती है। देखते हैं जर्मिनेट होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा छोटे पॉट ले रहा हूँ। बाद में जब भी इनके, जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल करके बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगा। पॉट के ड्रेनेज होल पे मैं पत्थर के टुकड़े रख दे रहा हूँ, जिससे हमारा जो पॉटिंग मिक्स है वो पानी के साथ बह के बाहर ना निकलने पाए। इसके बाद हमने पॉट में पॉटिंग मिक्स को फिल कर लेंगे। पॉटिंग मिक्स को पूरा फिल नहीं करना, एक लेयर तक फिल करने के बाद इसे प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे, और उसके बाद इनमें हम काफी अच्छे अमाउंट में पानी दे देंगे, जब तक इनके ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलना ना शुरू हो जाए। अब हम अपने रूट्स को इसमें रखते जाएंगे, और एक पॉट में मैं लगभग 2 रूट्स रख रहा हूं, और फिर से पॉटिंग मिक्स फिल कर देंगे। सारे रूट्स को कवर करने के बाद अब इसे एक बार फिर से ऊपर से हल्का सा पानी दे देंगे। बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है, बहुत ज्यादा पानी देंगे तो आप ये आपकी रूट्स जो है वो सड़ जाएंगी। एक बार जब पॉटिंग मिक्स अच्छे से पानी सोख ले, इसके ड्रेनेज होल से पानी भी निकल जाए, तो उसके बाद अपने पॉट को किसी ऐसी लोकेशन पे, इनडोर लोकेशन पे रख देंगे। जब एक बार इसमें स्प्राउट्स दिखने शुरू हो जाए तब इसको फुल आउटडोर लोकेशन पे रखेंगे। इनडोर लोकेशन रखने का सेंस ये होता है कि मॉइस्चर खत्म ना होने पाए। आउटडोर रखेंगे तो इनका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, बार बार आप पानी डालेंगे, बार बार पानी डालेंगे तो इसमें सड़न पैदा हो जाएगी। बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना होता, एक बार पानी आपने डाल दिया सफिशियंट है। इनडोर आप रख दीजिए, पानी इसका उड़ नहीं पाएगा, नमी बनी रहेगी। बहुत नमी ड्राई लगती है आपको, तभी आप दोबारा इसमें पानी डालें। रूट्स को लगाए हुए 22 दिन हो चुके हैं और ये सारे के सारे ग्रो हो चुके हैं। अभी भी एक रूट इसमें ग्रो हो रहा है, तो अगर 20-22 दिन भी आपके रूट्स को लग जाते हैं ग्रो होने में तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये 22 दिन के बाद ये ग्रो होना शुरू हुआ है। मुझे तो लगा था शायद ये वाला रूट उगे ही ना,
तो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, कुछ ग्रो हो चुके हैं, कुछ उग रहे हैं अभी, तो आप भी रूट्स को मंगा करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।